आपको हॉरिजॉन्टल बाइसेक्टर मिलेगा क्योंकि ये लाइव आर्टिकल है, इसका मतलब इसको बाइसेक्टर
तो ये बाइसेक्टर जहां पर भी इस वर्टिकल बाइसेक्टर को मीट होता है वहां पर हमने नाम दिया फाई, इसको नाम दे दिया फाई। ओके सो नाउ लेट्स से टेक 4 टू 5 और 5 टू 6 डिस्टेंस इन कंपास। कंपास में डिस्टेंस कौन सा लेना है, 4 टू 5 और 5 टू 6, कितना डिस्टेंस कंपास में लेना है, पुट कंपास पॉइंट ऑन 4 इंटरसेक्टर्स एक ही पॉइंट बनाना है, उसके बाद सेम डिस्टेंस 4 टू 5 और 5 टू 6 सेम डिस्टेंस है, यहां पे 6 पे रख के आप ऊपर तक ऐसे आर्क ड्रा कर सकते हैं ऐसे। ये कितने आर्क ड्रा कर रहे हैं, या आर्क उतने ड्रा कर रहे हैं जितना आपको जितने साइड का आपको पॉलीगॉन ड्रा करना है। सपोज आपको 12 साइड का बनाना है तो 12 तक आप कर सकते हैं, अगर 10 का करना है 10 तक कर सकते हैं। सो ये 6 हो गया, यहाँ पे मैंने 7, 8, 9, 10 ऐसे ऊपर तक जाएगा, जितने भी नंबर का साइड आपको बनाना है, साइड नंबर ऑफ साइड का पॉलीगॉन बनाना है, उतनी साइड का ऐसा कट करते ही जा रहे हैं। सो दिस मेथड इज कंप्लीट, ये मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी और ये निशा यहाँ पे रह गया निशा वाला पार्ट है उसको 3 नाम देना है। तो जितने भी साइड का हमें पॉलीगॉन बनाना है, ये लाइन याद रखो, ये मेथड इज सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ पॉलीगॉन, सब पॉलीगॉन का मेथड यहाँ तक सेम है। इसके बाद में क्या करना है, जितने भी साइड का हमें पॉलीगॉन बनाना है उस साइड पे कंपास का पॉइंट रखना है, उस नंबर पे कंपास का पॉइंट रखना है। इसका मतलब है सपोज आपको हेप्टागन ड्रा करना है तो 7 नंबर पे साइड पे पॉइंट रखना है, 7 नंबर पे पॉइंट रखना है कंपास पॉइंट। अगर ऑक्टागन ड्रा करना है तो 8, नोनागन ड्रा करना है तो 9, डेकागन ड्रा करना है तो 10, जितने साइड का पॉलीगॉन बनना है उस नंबर पे कंपास का पॉइंट रख के सर्कल बनाओ। तो सर्कल कैसे बनाते हैं, सपोज 7 पे हेप्टागन ड्रा करना है तो 7 पे कंपास का पॉइंट रखो, रेडियस कंपास में ले लो 7 टू पी इतना ले लो, ऑक्टागन ड्रा करना है तो रेडियस लेना है 8 टू पी, नॉनागन ड्रा करना है तो 9 टू पी, तो इतना रेडियस हमें कंपास में लेना है। अभी सपोज हेप्टागन ड्रा कर रहे हैं तो 7 पे कंपास का पॉइंट रखो, 7 टू पी डिस्टेंस कंपास में ले लो और एक सर्कल बनाओ, आप बहुत अच्छी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या किया मैंने, 7 पे कंपास का पॉइंट रख दिया, 7 टू पी डिस्टेंस कंपास में ले लिया और एक सर्कल बनाया। अभी डिस्टेंस से चेंज करना है सर्कल को काटने के लिए, तो कितना डिस्टेंस लेना है, एक रेडियस इन कंपास इक्वल टू पी, पी क्यू इतना कंपास पे रेडियस ले लो, पी पे कंपास का पॉइंट रखो और कट दिस। पहले सर्कल बनाया 7 टू पी लेके, उसके बाद सर्कल कट करने के लिए पी क्यू इतना डिस्टेंस लेना है, आप पी पे रख के ऐसे आप ड्रा कर सकते हैं। अगर आप ये जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ऐसा ये हेप्टागन मिलेगा, पी क्यू आर एस पी यू एंड डी, सो ऐसा आपको हेप्टागन मिलेगा। अगर आपने हेप्टागन ड्रा करें तो 8 पे कंपास का पॉइंट में 8 पे रखिए, 8 टू पी लेके सर्कल ड्रा करिए, रेडियस कंपास में काटने के लिए सर्कल काटने के लिए रेडियस ले लिए, पी क्यू इतना और सर्कल काटिए, आपको ऑक्टेगन मिलेगा। ऐसे आप कितने भी नंबर ऑफ साइड का पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। और एक ध्यान में रखिए, इसमें ये मेथड में आपका एक गलत भी हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा साइड एक्स्ट्रा रहेगा नहीं तो कम पड़ेगा, तो ये कैसे चेक करना है बिफोर गोइंग टू ड्रॉ दिस, ये कैसे चेक करना है कि आपको आपका ये मेथड और जो आपने बनाया वो सही जा रहा है या नहीं, इसके लिए क्या करना है, एक सिंपल ट्रिक आपको बता दो कैसे चेक करना है ताकि ये आपका करेक्ट रहे। पहला तो चेक कीजिए ये परपेंडिकुलर सही से बनाया है, उसके बाद ये परपेंडिकुलर लाइन को चेक कीजिए, ये बाइसेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर जाना चाहिए और एक ही लाइन में जाना चाहिए, ये चेक कीजिए। उसके बाद क्या करना, चेक करो ये हाफ डिस्टेंस चेक करो, यहाँ से पी क्यू का बाइसेक्टर है, ये हाफ डिस्टेंस अच्छे से चेक करो। बाद में ये जो लाइन ड्रॉ की है वो लाइन सही से दिखाओ, ये लाइन और ये आर्क, उसके बाद में ये बाइसेक्टर चेक करेक्ट से ड्रॉ करो। और ये क्या चेक करना है, यहाँ पे 4 टू 5 एंड 5 टू 6 डिस्टेंस, ये दोनों सेम है कि नहीं ये चेक करो। ओके इतना करने के बाद ये तो सही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में ये प्रोसेस तो सही रहेगा लेकिन आने वाले पॉलीगॉन करेक्ट है कि नहीं ये कैसे पता चलता है। तो यहाँ पे 4 आ गए, 4 का मतलब है स्क्वायर, यहाँ पे से स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर क्या क्या रहता है, डायगोनल सेम रहता है और
और ए स्क्वायर का डालें तो ये पी ये ही रहेगा, तो क्या करना है 4 से पी तक डिस्टेंस है कंपास में, और ये 4 से पी तक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 4 से ए तक ही रहना चाहिए और यही डिस्टेंस 4 से क्यू तक रहना चाहिए। मतलब क्या है, 4 टू पी इज इक्वल टू 4 टू ए इज इक्वल टू 4 टू क्यू, ये तीनों डिस्टेंस सेम आ गए तो आपकी मेथड सही जा रही है। इसके बाद और एक मेथड, 6 पे कंपास का पॉइंट ढूंढो और 6 से पी तक डिस्टेंस है, 6 से पी तक डिस्टेंस, 6 से क्यू तक डिस्टेंस एंड पी क्यू डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस भी सेम आनी चाहिए। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये पॉलीगन जो ड्रॉ करने की मेथड है वो सही जा रही है या नहीं, और आने वाले पॉलीगन आपके करेक्ट आने वाले हैं या नहीं, या फर्स्ट स्टेप में ही चेक कर सकते हो। आपको यह समझ आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। आपको क्यूरी हो तो कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक करना मत भूलिए, और आपके फ्रेंड्स को ये सब शेयर कीजिए वीडियोस, ताकि वो भी समझ जाए कि कैसे हेप्टागन, हेक्सागन एंड पेंटागन ड्रॉ करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।